मैं हूं आपकी मेजबान रोहा राशिद। आजकल मशहूर होने के ख्वाब तो सभी देखते हैं, बच्चा बच्चा और बड़े से बड़ा सिर्फ मशहूर होना चाहता है, लेकिन चंद ही के ख्वाब तकमील तक पहुंचते हैं, और जिनके ख्वाब तकमील तक पहुंचे उनमें से एक हैं अली हैदराबादी। अस्सलाम वालेकुम अली हैदराबादी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हर बंदा अपने किसी ना किसी सिग्नेचर अंदाज़ की वजह से मशहूर होता है, और आपका अंदाज़ जो चलने का था, आपकी पैंट्स जो ऊपर होती हैं चलने का अंदाज़, और वो ऐनक, उसकी वजह से आप मशहूर हुए या आपने मशहूर होने के बाद ये अंदाज़ अपनाया? मैंने वॉक जो ना, मतलब वॉक से ही फेमस हुआ हूँ सबसे पहले, क्योंकि टिकटॉक पर बहुत कुछ चल रहा था, तो मैंने चाहा मैं कुछ डिफरेंट करूँ, तो मैंने अपना स्टाइल निकाल लिया पैंट ऊपर करने का और रेड ग्लासेस पहन के और रोड पे वॉक करना पब्लिक को पसंद आया। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि यकीनन आपने भी जब टिकटॉक यूज़ करना शुरू किया होगा या बनाना शुरू किया होगा, तो आपने भी यही सोचा होगा कि मैं कभी तो मशहूर हो जाऊंगा, और उनमें से टिकटॉकर्स में से चंद लोग ऐसे होंगे जो अब आपके साथ होते हैं लेकिन तब आपको कुछ बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ लग रहे होंगे, वो कौन से लोग? काफ़ी लोग मेरे साथ ही होते हैं टिकटॉकर, जितने भी हैं। हेलो आए सबसे मेरी। जब आपने टिकटॉक बनाना शुरू किया होगा तो आपने सोचा होगा यार ये बंदे तो बहुत मशहूर हैं, इनसे मैं मिलूंगा, और अब वो लोग आपके साथ होते हैं? पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, और अगर मैं हो गया तो फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सबसे मिलूँ, जितने भी मेरे से बड़े स्टार थे टिकटॉकर, तो मेरी आदत यही थी कि मैं ज़रूर मिलूँगा और अपना जो है ना उनसे बात करूँगा, मिलूँगा, वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि पब्लिक भी हमारे जो फ़ैन थे वो सब यही चाहते थे कि अली भाई आप इतने फेमस हो गए हो तो आप अपने जो है ना जितने भी टिकटॉकर हैं उनके साथ वीडियोस बनाएं, तो मैंने सबके साथ बनाई माशाल्लाह, सबके साथ ही हेलो आए मेरी, और सब इज़्ज़त करते हैं और मैं भी उनकी करता हूँ, अच्छा लगता है सबसे मिल के। वैसे आपका एक गाना आया जो कि हिट भी रहा सोशल मीडिया पर, जिसमें जो है वो रैप किया था गनी टाइगर ने, और वो बहुत अच्छा भी रहा। आगे फर्दर कोई प्लान है मजीद गाने का या किसी ड्रामाज में एक्टिंग में आने का, या फिर आप सिर्फ टिकटॉक तक महदूद रहेंगे? बिल्कुल, वो गाना बहुत अच्छा गया, और भी हमें मतलब मैंने करने थे गाने वगैरह में जाना था, लेकिन ये कोरोना की वजह से ना सारा कुछ हर कोई अपने घर में बैठा हुआ है, तो ज़्यादातर बेहतर है घर में ही बैठे रहो। अच्छा, बिजनेसमैन्स को तो बहुत लॉस हुआ कोरोना की वजह से, पढ़ाई का भी लॉस हुआ, टिकटॉकर्स को क्या लॉस हुआ कोरोना में? यही हुआ, हमें लोग बुलाते थे ब्रांड शूट वगैरह के लिए ये वो, तो उन्होंने बुलाना बंद कर दिया कोरोना में, हमें ही नुकसान हुआ, और बस हम खुद भी अब नहीं जाते, क्यों हमें भी मतलब घर में बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कोरोना ज़्यादा है, जितना बचाव करेंगे अपनी हिफाजत के लिए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, क्योंकि हम नुकसान की बात कर रहे हैं, तो टिकटॉकर्स को सबसे बड़ा नुकसान तो तब होता है जब बार बार इसको बैन कर दिया जाता है, इस प्लेटफॉर्म को, और फिर अनबैन भी कर दिया जाता है, तो क्या कहेंगे कि बैन क्यों कर देते हैं बार बार, हालांकि हर प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं चीज़ें वायरल होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं। मेरा भी समझो रोज़गार वहीं से बना हुआ था, मुझे भी मतलब ऑफर्स आती थी हर चीज़ की, तो टिकटॉक ने हमें इज़्ज़त दी है, तो इसके अलावा जो ना टिकटॉक अगर अनबैन हुई है, अनबैन होती है फिर बंद होती है, तो वो फिर हमें ना दिल नहीं करता दोबारा बनाए बंदा एक दफ़ा ही बंद कर दे, अगर नहीं बंद करते तो जो नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, मतलब जिनकी अच्छी वीडियोस नहीं होती, तो उनका बंद करना चाहिए अकाउंट, तो ये तो सबका ही बंद कर दिया इन्होंने। बहुत ही खुशी होती है जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ का नाम रोशन करते हैं, और आप हैदराबाद से हैं, आपके नाम के साथ ही अली हैदराबादी लगता है, तो आपको फ़ख्र महसूस होता है? बिल्कुल होता है, अच्छा लगता है, बल्कि सबसे मिल के जब सेल्फियाँ लेते हैं लोग तो बहुत अच्छा लगता है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगा, लेकिन बस अल्लाह की ज़ात है मुझे इज्जत दे दी। 12.2 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं, और उससे भी ज़्यादा आपके चाहने वाले। जी बिल्कुल। फर्दर फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स हैं? इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही करेंगे, बस ये कोरोना ख़त्म हो तो फिर। लेकिन टिकटॉक के साथ ही जुड़े नहीं? मैंने ज़्यादातर जो ना आउट ऑफ कंट्री जाने का जो ना मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उधर जाऊँ कुछ डिफरेंट करूँ, तो जाता हूँ तो वीज़ा लगता नहीं है, कोरोना की वजह से नहीं लगता, बाकी माशाल्लाह अच्छा है।
टिकटॉक से ही जा रहा था हमारा। हाँ अच्छा, जो ऑन कैमरा दिखता है सब लोग वही जानते हैं, ऑन कैमरा सब आपको देखते हैं कि आप टिकटॉकर हैं और आप घूमते फिरते रहते हैं, असल में पर्सनल लाइफ में अली हैदराबादी क्या क्या करते हैं, उनकी क्या फील्ड्स हैं, उनके क्या काम हैं और वो क्या करना चाहते हैं? अभी तो मैं जस्ट वीडियोज़ बनाता हूँ, और वीडियोस बना के कभी किसी कॉल आ जाती है हमारा, ये शूज़ ट्राई कर लो, अपने इंस्टा पे पोस्ट कर दो, पब्लिसिटी कर दो, ये कर दो, शर्ट पहन लो, तो फिलहाल तो यही चल रहा है। अच्छा, अगर आप रीसेंट वाक्य के बारे में देखें तो वाक्य आयशा का हुआ, लेकिन टिकटॉक बीच में कहीं ना कहीं सब टिकटॉकर्स, क्योंकि उनका टिकटॉकर्स का पब्लिक पार्क्स में जाना बैन कर दिया पहले हुकूमत ने कहा, तो इस बारे में आपका क्या राय थी पूरे वाक्य के बारे में जिसमें टिकटॉकर्स जो हैं वो बीच में आ गए, लपेट में आ गए और टिकटॉक को सब ने बुरा कह दिया? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो गलत है उसी को पकड़े भाई, जो सही है वो उसको ही लपेट में ले लेते हैं, ये तो फिर गलत है बहुत। और एंट्रियाँ वाक्य मैंने भी सुना है बंद हो गई है टिकटॉकरों की जाना। अच्छा अली, ये बताएं कि चंद ऐसे टिकटॉकर्स जो आपके साथ रहे हों, आपके बहुत अजीज दोस्त हों और आप उनके बारे में प्राउड फील करते हो? वो मेरे हैदराबाद के ही हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। कहीं बाहर के शहरों के लोगों को आप दोस्त नहीं समझते? नहीं, फिलहाल तो हैं, सबसे हेलो है ज़्यादा तो बस मतलब हैदराबाद के ही मेरे दोस्त, जहाँ से मैं फेमस हुआ था तो हैदराबादियों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया था, तो जितने भी लोग हैं अच्छे दोस्त मेरे वहाँ पे ज़्यादा बने। अच्छा अली हैदराबादी, आपका नाम तो टिकटॉक से जुड़ गया और बे इंतहा लोग, जैसे कि मैंने बताया कि 12 मिलियन से ज़्यादा लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, उससे भी कई ज़्यादा लोग होंगे जो आपको पसंद करते होंगे, जो आप कहीं और प्लेटफॉर्म पे आपकी वीडियोज़ देखते होंगे, अगर इस फील्ड के अलावा भी आपको मौका मिले कि किसी एक और फील्ड के साथ जुड़ जाएँ तो आप कौन सी प्रोफेशनली फील्ड को चूज़ करेंगे? मैं टिकटॉक के बाद तो स्नैप ऐप, आपको पता होगा कि स्नैप ऐप वो ज्वाइन कर ली थी मैंने, उसके बाद जितनी भी ऐप्स हैं मैं सब पे मतलब काम करता हूँ, लाइक ही हो गया और सब पे करता हूँ मतलब। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका किस टिकटॉकर के साथ रहा अब तक काम करके? मैंने एक ही सबके साथ वीडियो बनाई है, तो मेरे एक एक वीडियोस बनाते हैं। हाँ, मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं। इसका मतलब है कि आप खुद सीख के आगे बढ़ रहे हैं, आपने किसी एक बंदे से नहीं सीखा? वो भी फैन मतलब कहते थे कि बनाओ किसी के साथ भी वीडियो, मतलब एक हो जाए बड़े स्टार जितने भी हैं, तो ज़्यादातर मुझे मैं नदीम भाई के साथ ज़्यादा रहा था, नदीम नानी वाला सुना होगा, तो वो ज़्यादा मेरे अच्छे दोस्त बने थे टिकटॉक में। अच्छा, एक साल हुआ है जब आपका नाम बहुत ही मशहूर हुआ, आपको बहुत से लोग जानने लगे, आप बेसिकली टिकटॉक बना कब से रहे? मैं 2017 से बना रहा था, जब टिकटॉक का नाम जो है ना म्यूजिकली था, तब मैं वायरल भी नहीं था, और 2020 में के 5 मंथ में मैं वायरल हुआ, तो मैं तो स्टार्टिंग 2017 से ही की है। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि टिकटॉक ठीक है, बिल्कुल सही है, वो टिकटॉकर्स को भी गलत ही समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर इमेज जो है ना वो गलत बन चुकी है टिकटॉक की, तो आप एज अ टिकटॉकर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? मैं तो यही देना चाहूँगा कि जो गलत है आप उसी को पकड़े, सबको टिकटॉकरों को बुरा ना बोले, क्योंकि टिकटॉकर से जब आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा वो टिकटॉकर बहुत अच्छे होते हैं, और जो गलत है बस आप उसी को पकड़े, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अरे यंगस्टर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में आने का शौक रखते हैं? नहीं, जिसमें टैलेंट है वो आए आगे, बल्कि हम मैं भी हेल्प कर लूँगा, क्या है मेरे साथ बना ले टिकटॉक लेकिन ये क्या बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनकी हेल्प कर चुके हैं? हाँ, मैंने तो बहुत लोगों की है, काफ़ी मेंशन कर देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, अपने अकाउंट में डाल देता हूँ, तो मुझे इस चीज़ से कुछ नहीं है। अच्छा, आपको सब लोग वीडियोस में देखते हैं, ऑन कैमरा देखते हैं, टिकटॉक के जरिए देखते हैं, पर्सनली आपकी नेचर कैसी है? आप डाउन टू अर्थ हैं, मूडी हैं, गुस्से वाले हैं, किस तरह के हैं? मैं अगर सच बताऊँ तो लोगों के साथ होता हूँ, फैंस के साथ होता हूँ तो खुश होता हूँ, अगर मैं अकेला होता हूँ तो बस अपने मूड में होता हूँ। यानी कि आप घूमने फिरने के और वीडियोस बनाने के लिए शौकीन? हाँ बस। सबसे पहली कौन सी वीडियो थी जो वायरल हुई? सबसे पहली वीडियो जो है ना वाकई वायरल हुई थी, और वो इतनी वायरल हुई थी कि मेरे ना 18,000 फॉलोअर्स थे, और उस वाक से ना मेरे एक दिन के अंदर मतलब 24 घंटे के अंदर 5 लाख फॉलोअर्स हो गए थे, 18,000 से 5 लाख हो गए थे। तो फिर मैंने ना ऐसा किया कि मैंने कहा ये वीडियो वायरल हुई है, तो मैं ना एकदम ना फिर दूसरी भी 24 घंटे बाद ना डाल दी, फिर वो लोग प्रोफाइल खोल खोल के चेक कर रहे थे कि ये लड़का कहाँ गए, इसकी वीडियो कैसे वायरल हुई, तो मैंने दिमाग चला लिया, उस पर दूसरी वीडियो डाल दी, दूसरी वीडियोज़ पे ना व्यूज़ आने लग गए, तो मैंने एक दिन में ना 10-10 वीडियो डालना स्टार्ट कर दी, तो
तो ऐसे ना मेरी सारी वीडियोज़ वायरल होती रही, फॉलोअर्स भी बढ़ते रहे और अल्लाह पाक मुझे मजीद इज्जत देता रहा देता रहा। अच्छा अली, ये बताएं कि आप बहुत से टिकटॉकर्स के और बहुत से लोगों के फेवरेट हैं, आपके फेवरेट टिकटॉकर्स कौन से हैं? पाकिस्तान में तो कोई फेवरेट नहीं है टिकटॉकर। यानी क्या समझते हैं कि सिर्फ आप फेवरेट हैं? मैं अपना खुद हूँ फेवरेट सबका। अच्छा, सिंगिंग का शौक रखते हैं? हाँ बिल्कुल रखता हूँ, लेकिन मैं सॉन्ग मतलब करूँ, उस फील्ड में काम करूँ, ये अच्छा लगता है मुझे, मैं खुद गा नहीं सकता। तो आप समझते हैं कि गाना कोई और गाए और आप उसमें एक्ट करें? मैं सिर्फ लिप सिंक कर लेते हैं हम, जैसे टिकटॉक पे किसी भी साउंड पे लिप सिंक कर लेते हैं हम, तो बस यही आता है मुझे। डांसिंग का शौक रखते हैं? वो कोई ऐसा हिडन टैलेंट, कोई ऐसा शौक जो अब तक आपके फैंस या अब तक ऑडियंस को ना बताओ? जी बिल्कुल, शौक तो मुझे हर चीज़ का ही है, मतलब डांसिंग का भी है, सबका ही है, तो मैं कुछ बनूँ हीरो बनूँ वो उसका भी है। तो और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हम आपको मज़ीद गानों में और एक्टिंग में ज़रूर देखेंगे। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ थे अली हैदराबादी, जो कि बहुत ही पॉजिटिव तरीके से वीडियोस बनाते हैं, उन्हें बहुत से लोग जानते हैं, उनके बहुत से फ़ैन्स हैं। आज हमने उनसे बहुत सारी बातें की। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान रूह राशिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।